हेलो गाइज, राजू टीआरसी टेक में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एसर का मदरबोर्ड है जो कि आप देख पा रहे हैं। इसका मॉडल नंबर यहाँ पे ये देखिए Q87S3-AM है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें DDR3 रैम लगती है और जो रैम है वो PCL टाइप की लगती है, ठीक है। और ये देखिए प्रोसेसर आप देख पा रहे हैं, कोर i3-4150 फोर्थ जनरेशन का। तो ये H81 की सीरीज में आता है। और इसमें क्या प्रॉब्लम थी दोस्तों, हम इसको पहले ही रिजॉल्व कर चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा हमने इसमें क्या क्या काम किया है। तो ये नॉट पावरिंग ऑन में था। नॉट पावरिंग ऑन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे हमने SMPS को कनेक्ट किया और ट्रिगर यहाँ पे देखिए इसका पैनल है, आगे वाला जो 1-2 पिन है वो शॉर्ट करके ट्रिगर जैसे ऑन करेंगे तो एकदम ऑन होके तुरंत बंद हो जाएगा, जो झपकी जैसा टाइप का मारता है ना मदरबोर्ड, तो इस तरह के ये कर रहा था। तो उस केस में देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल यहाँ पे जो इसके ये MOSFET होते हैं, ये 12 वोल्ट का होता है, ये ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कई सारे ख़राब हैं। सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करने के लिए आप मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पर रखेंगे, ये देखिए। तो देखिए जैसा कि इसमें आप देखेंगे, एक ये है आपका MOSFET, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप देख रहे हैं शॉर्ट ही दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने पहला जो MOSFET है वो निकाला, इसका चेंज करा है, 12 वोल्ट का होता है सर्किट का, आप यहाँ से येलो से आप चेक कर सकते हैं इसको। तो मैंने इसको देखा कि ये शॉर्ट है, फिर मैंने इस दूसरा मदरबोर्ड लाया, मैंने उसको चेंज किया, तो जैसे ऑन किया तब भी हमारा ये तो ठीक था, बट जो इसका बगल वाला था वो फिर उड़ गया। तो इस कंडीशन में दोस्तों, इसके ये जितने भी MOSFET है 1x1 करके सारे ख़राब हो गए थे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में दो प्रॉब्लम होती है, या तो आपका कोर IC भी ख़राब है और या आपका प्रोसेसर ख़राब है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पूरा ये सर्किट चेंज किया है और उसके बाद मैंने कोर IC भी चेंज की है, ठीक है। तो ये इसमें पहले प्रोसेसर लग रहा था जो कि i5-4590 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले मैंने रैम को निकाला और SMPS को कनेक्ट किया विदाउट प्रोसेसर के। तो मैंने जैसे यहाँ से ट्रिगर दिया, हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया, ठीक है। तो मैं समझ गया हमारा जो प्रोसेसर ख़राब हो सकता है। तो मैंने दूसरा प्रोसेसर लगाया, आप देख रहे हैं 4150, तो तब मैंने इसको ऑन किया ट्रिगर देके, तो ये हमारा कंटिन्यू चल गया, यानी कि हमारा मदरबोर्ड ने इसको प्रोसेसर को भी शॉर्ट कर दिया था। तो इस कंडीशन में दोस्तों, हमारा प्रोसेसर भी शॉर्ट था और ये हमारा VRM भी शॉर्ट था। तो आप सबसे पहले आप यदि मदरबोर्ड को रिपेयर कर लेंगे तो कोई भी प्रोसेसर इसमें नहीं लगाएंगे, सबसे पहले आप ट्रिगर विदाउट प्रोसेसर के ऑन करेंगे। आपका यदि मदरबोर्ड ऑन है तभी आप प्रोसेसर लगाएंगे केयरफुल्ली, जिससे आपका जो महंगा जो कॉस्टली प्रोसेसर होता है वो डेड होने से बच जाएगा और आपका जो मदरबोर्ड है वो भी रिपेयर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं इसमें USB चेक कर लेता हूँ, ये 3.0 है और ये देखिए हमारा जो है नंबर लॉक जो है ये हमारा चल रहा है, वो यहाँ से देखिए, और डिस्प्ले भी हमारी ये। एक बार और इसको बंद कर लेते हैं और ट्रिगर करके फिर ऑन कर लेते हैं, एक बार वन टाइम दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए एनालाइजर में अकॉर्डिंग, और ये देखिए डिस्प्ले हमारा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, डिस्प्ले हमारा आ गया और हमारा सारा USB भी वर्किंग कर रहा है। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो, हमारे चैनल को यदि लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें, और कमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें लिख सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे फॉल्ट टेक्निकल सीखने के लिए हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।